हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी दर्शकों। यदि आपने अभी तक ये उपाय नहीं किया है तो आप रात्रि सोने से पहले इस उपाय को कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। यानी कि आज रंग पंचमी का दिन है जो कि साल में एक बार ही आता है, तो इसलिए ये मौका अपने हाथ से ना जाने दें। अगर आपके पास में शिवालय है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप इस उपाय को अवश्य करें। दर्शकों इस उपाय से क्या होगा कि आपके जीवन में आने वाली सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। कितना भी कष्ट आपके जीवन में चल रहा हो, कितने भी दुख तकलीफ आपको घेरे हुए हों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन से सारी अड़चनें दूर होंगी और जो भी कष्ट आपको हो रहे हैं वे समाप्त तो हो जाएंगे। साथ ही आपका भाग्य प्रबल होगा और आपकी किस्मत चमकने लगेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है, यानी साफ स्वच्छ जल लेना है और उसमें आपको चंदन डाल लेना है। चंदन डालने के बाद किसी भी फूल की सहायता से उस चंदन को उस जल में घोल लें, यानी कि जो जल है उसका कलर बदल जाएगा और जो चंदन का कलर है वही कलर जल का हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको जल इस तरीके से अर्पित करना है कि जहां से भगवान भोलेनाथ के चरण होते हैं, जहां पर भगवान गणेश का स्थान होता है, जहां पर भगवान कार्तिकेय का स्थान होता है, वहां पर आपको सबसे पहले भगवान गणेश वाले स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर उसके बाद भगवान कार्तिकेय वाले स्थान पर जल अर्पित करना है और उसके बाद बीच में जो मोटी लाइन होती है जहां अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर आपको जल अर्पित करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। उसके बाद जो माता पार्वती का स्थान होता है जहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग रखा हुआ है, जहाँ माता पार्वती का हस्तकमल होता है, वहाँ पे जल अर्पित करना है। फिर उसके बाद जितना भी जल आपके लोटे में रह जाता है वो सारा जल आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जब आप भगवान शिव की शिवलिंग पर पूरा जल अर्पित कर देंगे तो जो आपने चंदन डाला है वो चंदन भी शिवलिंग पर आ जाएगा। उसी चंदन से आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली, यानी जो छोटी वाली उंगली होती है उसके पास में जो उंगली होती है, उसी उंगली से अपने मस्तिष्क पर एक तिलक लगाना है। साथ ही भगवान के सामने आपको एक घी का दीपा जलाना है और धूप बत्ती भी जलानी है। और उसके बाद जब आप तिलक लगा लेंगे तो इससे क्या होगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होगी, जितने भी देवी देवता हैं सभी देवी देवताओं की कृपा आपको मिल जाएगी और आपके भाग्य की रेखा कितनी भी विपरीत चल रही हों वे अपनी सही स्थिति में आ जाएंगी। किसी भी प्रकार की दुख परेशानी आपके जीवन में घेरे हुए है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी उस मनोकामना को बोलते हुए प्रार्थना करें कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाए। निश्चित ही आने वाले अगले साल के अंदर आपकी वो मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को ये उपाय समझ आया होगा। उपाय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे उपाय से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।